आने भाई आज भी चाइनीज, मतलब ये बंदा रोज रोज मतलब रोज चाइनीज खाएगा। तू भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देख मैं नहीं खाता, ये न्यू ओपनिंग है अपने दोस्त का, इसलिए आज आए हम और कुछ नहीं। चाइनीज थोड़ा थोड़ा खाते हैं बस। ये भाई का है चाइनीज का दुकान। भाई अपना नाम बताओ। रजत दुरे। वो दे इसका ये मेन्यू कार्ड है, मेन्यू कार्ड देखो। और ये प्रिंस भाई है। क्या व्लॉगिंग कर रहे हैं? अरे कौन चाइनीज खाता है? चाइनीज कौन खाता है? कुछ भी। चलो आज के लिए इतना ही, अभी जिम में मिलते हैं। क्या बोलते हो? जिम आज छुट्टी है संडे, मैं कल मिलेगा अभी। चलो यो गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे। तो आज था मेरा स्क्वाट और बेंच। तो स्क्वाट मैंने किया अराउंड 240 kg। आप देखिए ये फटाफट। कैसा लगा स्क्वाट? मुझे इजी लगा। आरपी 4-5 के बीच में मैं इसका रेटिंग देता हूँ। 4.5 ले लीजिए रेटिंग आरपी का। और उसके बाद मैंने किया बैक डाउन सेट, दैट वाज अराउंड 210 kg। वो भी मुझे बहुत इजी लगा। अब देखिए ये फटाफट। कैसा लगा 210? ईजी लगा, मुझे भी ईजी लगा। लास्ट सेट थोड़ा सा शेकी लगा, क्रैम्प आ रहा है, बहुत क्रैम्प आ रहा है। कोई नहीं, तो उसके बाद मैंने क्या किया, बेंच किया। आज मेरा बेंच का मूड नहीं रहता बिल्कुल भी। बहुत टाइम लग गया मतलब बेंच तक आने के लिए, लाइक 6 बजे मेरा कुछ स्क्वाट्स का मेन सेट ख़त्म हुआ और अभी 9 बज रहे हैं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स बेंच तक पहुंचने के लिए। ये भी नहीं है वर्कआउट, मतलब बेंच तक पहुंचने के लिए 3 घंटे लग गया और बेंच मेरा अभी ख़त्म हो गया। अभी जस्ट 9:15, 9:10 को ख़त्म हुआ मेरा बेंच। अभी एक्सरसाइज वर्क भी करना है। पता नहीं मुझे बहुत सारा क्रैम्प आ रहा है। मेरा लैट फर्स्ट सेट देखिए आई है 172.5 kg का। ये बेंच मतलब मुझे स्टार्ट हो रहे थे क्रैम्प आने के लिए, लोअर बैक रीजन में क्रैम्प आ रहा था। बट ये सेट में मुझे क्रैम्प नहीं आया, जो पहले मारा था मैंने 165 उसमें क्रैम्प आया था मुझे लोअर बैक में। बट वो मेन सेट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्रैम्प नहीं आया। और इस टाइम मैंने थोड़ा सा पॉज किया है। वेदांत ने बोला था, कोच वेदांत ने बोला था कि थोड़ा पॉज लेते हैं टू बी मोर स्पेसिफिक टू द कॉम्पिटिशन। और उसके बाद मेरा बैक डाउन सेट सिमिलर है नेक्स्ट वीक लास्ट वीक जैसा 145 kg। और बट इसमें लास्ट सेट में जो मैंने क्रैम्प आया ना भाई, लोअर बैक क्रैम्प आया मेरा, इधर भी क्रैम्प आया, इधर बहुत भी क्रैम्प आ रहा है। वेट लोड ही है, अनलोड नहीं किया अब तक, रिरैक करना बाकी है पूरा वेट्स। आप मेरा लास्ट सेट देख के आइए 145 kg का 4-3 repetition। ये सेट मतलब ख़तरनाक, बहुत डिफ़िकल्ट लगा मुझे। अभी क्रैम्प आ रहा है। नो अनबेरेबल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलो, कल परसों जब भी हो उससे मैं मिलूँगा। स्पोर्टो बेंच से मिलते हैं फिर। तो आज का व्लॉग हम लोग ने भाष चालू किया है। तो आज कौन है मेरे साथ, कौन कौन है आज, गेस कर पाएंगे? नहीं।
गेस तो कर लिया होगा, चाइनीज बंदा अपना प्रिंस हेड और चाइनीज बिल्ली दादाजी, अपने कोच भी आज साथ में है। दिस इज द मेन गाय। ये फोकस में नहीं आ रहे तुम लोग, थोड़ा पीछे जाना। कैसा फोकस ब्लॉगर बनेगा रे तू? अरे ऐसे ब्लॉगर बनते हैं ये सब लोग, पागल हो गए। फ्लाइंग विश हु, आज टाइम पास करते करते आए, वेदांत का वेट पिकअप किया, 50 किलो कुछ लिया था, वेदांत ने मंगाया था, भाई स्ट्रॉन्ग हो रहा है अभी ना, तो वेट वेट तो चाहिए, बाइंडर ही हो तो। कितना वेट अभी तेरे पास हो गया? 290 के जी, 290 स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच, ड्रीम टोटल है मेरा तो। अभी हम लोग आए टाइम पास करने, था फोटो शूट किया, एक अच्छी वॉल दिखी प्रिंस भाई को, ये वाली उन्होंने बोला चलो यार फोटो शूट करते हो सा टी शर्ट्स का, व्हाट्स योर टोटल? तो वेदांत भी, मैं बहुत वेदांत को भाई टी शर्ट पहन गया, और टी शर्ट पहन गया वेदांत एकदम, गॉगल्स अनिया भाई ने लेंस कार्ड से मुझे गॉगल्स दिए, बाय वन गेट वन फ्री, 5,000 रुपये बचाए मेरे पर मैंने उसको 300 रुपये भरा नहीं एक्स्ट्रा। नाराज़ है अनिया भाई, नाराज़ है, कोई नहीं फोन तो क्या फर्क पड़ता है। तो इतना ही था ना, तो खाएंगे इसका मैं टाइप ऑफ बी रोल निकालूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, और शायद से हम लोग पुणे आएंगे शायद से। अबे इतना जल्दी स्पॉइलर दे रहे क्या? तो स्पॉइलर आने देना, उनको पता, उनको क्या पता पुणे में किधर आ रहे हैं, हम लोग थोड़े इतना फेमस है, लोग ऐसे जमा होंगे कर दिवाएंगे, एक दो लोग आएंगे मुश्किल से अभी। वेदांत सर, वेदांत सर, देवा गुरु जी, देवा गुरु जी। तो आज के लिए इतना ही था, अभी थोड़ा बी रोल मिला आपको, आप देखिए एंजॉय कीजिए बी रोल। तो आज क्या है, आज था मेरा टेम्पो स्क्वाट्स, और अपना नॉर्मल टचिंग को बेंच, सो स्क्वाट से मज़ा आया, बेंच में फिर से वो टाइटनेस फील हो रहा है, टाइटनेस फील हो रहा है, पेन नहीं फील हो रहा, तो कोई नहीं, मज़ा आया बेंच में। और थोड़ा सा एक्सेल मूवमेंट चलो अभी, फ्लाइज, केबल फ्लाइज, और अभी थोड़ा सा ये मार रहा हूँ क्या बोलते हैं, रोज, सीटेड रोज। तो यहाँ पे हैंडल लगा दिया है, शायद सबको दिखेगा नहीं, वन सेकेंड दिख रहा है, ये हैंडल लगा हुआ नीचे, तो अभी तो मज़ा आ रहा है, तो रोज़ करूँगा। और उसके बाद शायद से आप लोगों ने देख लिया रहेगा या देख के आओ, डोमिनोज का पिज़्ज़ा भाई ने मंगाया था मस्ट, तो आज वो खाएंगे डोमिनोज का पिज़्ज़ा, पेट पूजा, मज़ा आएगा पेट पूजा, तू दूजा कोई नहीं, पिज़्ज़ा खाएंगे मस्ट, पेट भरेंगे भी, कितना 4-5 पीस है बस, मीडियम, हाँ वो मील हो गया, थोड़ा सा प्रोटीन शेक मार लूँगा, प्रोटीन कंप्लीट, कार्ब्स कंप्लीट, और शायद से थोड़ा दाल और राइस खाऊंगा, श्योरली नहीं शायद से खाऊंगा, देखते अभी भूख कैसे लगता है। और दैट्स इट आज के लिए हो गया, कल मिलते हैं, कल डेडलिफ्ट है सबको पता है, पता नहीं है तो पता कर लो, डेडलिफ्ट हम लोग का फ्राइडे को होता है, तो कल मेरे लिए फ्राइडे होगा, आप लोग के लिए मंडे, मतलब सैटरडे संडे, दिवाली हो गई देखिए तब तक, तो इन एडवांस नहीं बोल सकते अभी, बिलेटेड दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। और अभी मैंने लाइटिंग लगाई नहीं है, मेरा पावर बैंक चार्जिंग प्रेस लिए लाइटिंग लगाई नहीं है, डेडलिफ्ट के टाइम में श्योरली मैं लगाऊंगा लाइटिंग, फुल दिवाली वाइब्स, और मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा बी रोल भी डाल पाऊँ, थोड़ा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा मैंने इन्वेस्टमेंट किया है,
तो इक्विपमेंट्स में देखते हैं अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता नहीं बता। और आज के लिए इतना ही था गाइस, कल क्या है, डेडलिफ्ट, सबको पता है डेडलिफ्ट है, तो कल मिलते हैं। आज आ गए आप भी डेडलिफ्ट देखने के लिए, सब्र नहीं होता, हाँ हाँ सब्र नहीं होता। तो आज था डेडलिफ्ट, क्या था आज, क्या था डेडलिफ्ट सबको पता है, इतने बार कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 12, शायद से ये ब्लॉग 12 है या 11 है, याद नहीं मुझे अभी, कंटिन्यूस पोस्ट कर रहा हूँ मैं मंडे को ऑलमोस्ट। सो आज छोटी दिवाली है, हाँ आज फ्राइडे है, छोटी दिवाली है। तो आज मैंने किया डेडलिफ्ट 272.5 kg का, आप देख के आइए फटाफट। कैसा लगा आपको? मुझे लगा ये RPE 6 बेटर देन 275 जो हम लोग लास्ट ब्लॉक में किया था, मज़ा आया मुझे ये करने में। एक्चुअली एक बात हुई थी, मैं अभी वो बात समझाऊँ, रियलाइज़ किया मैंने बात को कि वर्कआउट के पहले मैं जब कुछ पीता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने ये पिया था मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, सो उससे सीन क्या होता है, मुझे ब्लोटिंग जैसा फील होता है और लगता है कि अभी वॉमिटिंग कर दूंगा, मुंह से कुछ निकल जाएगा। सो मैंने एक अच्छा तोड़ ढूंढा है, मॉन्स्टर पी के बैठता हूँ मैं, अपना वार्म अप करता हूँ लास्ट वार्म अप, एंड उसके बाद आई टेक 20 मिनट्स का मस्त वाला रेस्ट, उसके बाद ब्लोटिंग गायब हो जाता है, स्ट्रेस भी निकल जाता है और मेरा टॉप साइड एकदम अच्छा दिखता है। मैं लास्ट वीक से कर रहा हूँ, होपफुली ये कंटिन्यू रहे, ये ऐसा ना हो कि भाई ये बस कुछ टाइम के लिए काम करता है, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, 20 मिनट्स रेस्ट बिफोर मेन सेट मुझे अच्छा लगता है। तो अभी के लिए कंटिन्यू रखेंगे ये सब कुछ। और मेरा बैकग्राउंड सेट देख के आइए, कौन बजाता है, कौन मतलब, मेरा बैकग्राउंड सेट देख के आइए 235 kg का अभी। कैसा लगा 235 × 5? सो ये मुझे लगा, ये भी RPE 6 के आसपास था, लाइक माय मेन सेट ये सिमिलर था, इससे मैं 15 या 10 मिनट्स में डाइट घुस गया था और मैं थोड़ा सा बीरोल शूट किया था स्ट्रैप्स का, आपको देखना है, चुल मच रही है देखने की, देख के आ जाओ ना, देखना देख लो ना। कैसा लगा बीरोल? अच्छा लगा तो लाइक ठोकिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे मेरे, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा कुछ है कि जितना डिसलाइक या लाइक का रेशियो पता नहीं कुछ, तो ऐसा सीन है लाइक और डिसलाइक में तो फ़र्क नहीं पड़ता यूट्यूब के एल्गोरिथम में, ऐसा मैं सुना हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। सो अभी मैं थोड़ा सा बाइसेप कर रहा हूँ एंड सम ट्राइसेप, बाइसेप दिख रहा है क्या आपको, एक मिनट, ये बाइसेप कर रहा हूँ मैं, वेट 2.5 kg वेट, हेवी लगता है। सो ये वीक के लिए इतना ही था, अभी नेक्स्ट वीक मिलते हैं विद द सेम वर्कआउट विद माय अपडेट्स, और दैट्स इट गाइस, आप कर दोगे ना लाइक वीडियो को, वो ज़रूरत नहीं बोलने की, बस ये बोल ज़रूरत है बोलने की, सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा दो ताकि आप लोग को समझ आता रहेगा कि मेरा वीडियो कब आया, जलता है पसीना आँखों में, जली ना तेरी भी जली ना। फैन बन के आप लोग के ना अच्छा ऑडियो के लिए, वीडियो तो ऑलमोस्ट अच्छा हो रहा है अभी, अच्छा अगर आपको लगता है अच्छा है तो वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो, और क्या, हैप्पी दिवाली गाइस, आप लोग के लिए डील होगा, मंडे को निकल रहे व्लॉग इसलिए,
एंड नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे मिलते हैं जब ही पॉसिबल होता है. सी या, सदा स्ट्रांग रहो, पीस आउट.